सात और आठ जुलाई को मध्य प्रदेश में होगी बहुत जोरदार बरसात किसान भाइयों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रामलाल दाकर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में इस वीडियो में हम सात और आठ जुलाई के मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों इस समय पर मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर चल रहा है और पिछले चौबीस घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जोरदार बरसात हुई है लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ और भी बढ़ने वाली हैं और प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तेज़ बरसात होने की संभावना है तो क्या है मौसम विभाग का नया अपडेट इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा देना ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाइयों अब अगर मध्य प्रदेश के आगे के मौसम अपडेट के बारे में बात करें तो आपको वीडियो स्क्रीन पर 7 जुलाई की वेदर रिपोर्ट दिखाई दे रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों के ऊपर हरा रंग दिखाई दे रहा है जिसका मतलब ये है कि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में 7 जुलाई के दौरान तेज़ बरसात होने की संभावना है अगर जिलों के अनुसार स्पेशल बात करें तो उत्तरी जिलों बिंड मुरैना ग्वालियर दतिया शोपुर शिवपुरी गुना अशोकनगर निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज़ बरसात होने की संभावना है इसके अलावा सागर विदिशा कटनी पन्ना सतना रीवा सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल अनूपपुर डिंडोरी मंडला बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा जबलपुर और नरसिंहपुर इन जिलों में भी सात जुलाई के दौरान अधिकतर स्थलों पर तेज बरसात होने की संभावना है तथा भोपाल रायसेन सीहोर देवास इंदौर हरदा नर्मदापुरम बैतूल खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर इन जिलों में अधिकतर स्थानों पर तेज़ बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती हैं और किसान भाइयों नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन आगरमालवा शाजापुर राजगढ़ तार जाबुआ अलीराजपुर इन जिलों में भी सात जुलाई के दौरान काफ़ी अधिक बरसात होने की संभावना है और किसान भाइयों अगर आगे की रिपोर्ट देखें तो 8 जुलाई के दौरान भी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगभग इसी प्रकार से जारी रहेगी और 8 जुलाई के दौरान भी प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बहुत तेज़ बरसात हो सकती हैं लेकिन पूर्वी जिलों पन्ना सतना रीवा सीधी सिंगरौली इन जिलों में आठ जुलाई के दौरान बारिश की संभावना थोड़ी कम है लेकिन जो अन्य ज़िले हैं जैसे कि नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन धार जावाबुआ अलीराजपुर खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर हरदा नर्मदापुरम बैतुल इंदौर देवास आगरमालवा शाजापुर भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया श्योपुर शिवपुरी गुना अशोकनगर भोपाल रायसेन सीहोर विदिशा सागर उमरिया सहडोल अनूपपुर डिंडोरी मंडला बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा जबलपुर नरसिंहपुर इन जिलों में 8 जुलाई के दौरान काफ़ी तेज़ बरसात होने की संभावना है किसान भाइयों इन जिलों में अधिकतर स्थानों पर तेज बरसात होगी तो कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है तो अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश का मौसम देखें तो 7 और 8 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश में काफ़ी भीषण बरसात होने की संभावना है तो यह थी मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी आप प्रदेश के कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं और अभी आपके जिले में मौसम की क्या स्थिति है कमेंट करके अवश्य बताना चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान